हाय वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। पिछली वीडियो में अपने ग्रिड का इंट्रोडक्शन समझा, किस तरीके से ग्रिड को काम किया जाता है, डिस्प्ले के ऊपर किस तरीके से ग्रिड को अप्लाई किया जाता है, ग्रिड की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम उसके बारे में समझा, किस तरीके से कॉलम क्रिएट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझा। आज अपन समझने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज के बारे में, किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो अभी इसको बंद करते हैं, एक और यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं यहाँ पर grid2.html के नाम से, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे खोलूँगा और यहाँ पे बेसिक टेम्पलेट जो होती है इसको जनरेट करूँगा। और इसके बाद जो इसकी जो क्या बोल सकते हो जो एमेट है उसका अपन को क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं डिप डॉट पेरेंट नाम से यहाँ पे क्या करूँगा, एक अपना डिप क्रिएट कर लूँगा। इसके बाद जो एमेट है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, छोटी छोटी एमेट होती हैं, जैसे यहाँ पे डिप डॉट यहाँ पे चाइल्ड लिखा, जिससे क्या हो जाएगा चाइल्ड नाम की क्लास यहाँ पे डिप होना चाहिए, डिप डॉट चाइल्ड, चाइल्ड नाम की क्लास हो जाएगी, हैज लगाएंगे जिससे क्या हो जाएगा चाइल्ड नाम की आईडी बनेगी, डॉलर लगाएंगे जिससे वो यूनिक आईडी रहेंगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, दिस इज चाइल्ड, और इस तरीके से डॉलर लगा के और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आप जितनी आप देना चाहते हैं उतनी दे सकते हैं, 12, 10, 8, 6, मैंने यहाँ पे 12 कर दिया, तो यहाँ पे मैंने 12 क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। अब बात आती है कि यहाँ पे क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं इसको गोलाइप करूँगा, और गोलाइप करूँगा तो गोलाइप पे आपको मालूम है बहुत ही बेसिक सा अपन को दिखाई देने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल टैग दूंगा, स्टाइल टैग, और यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट को अपन एक्सेस करेंगे और इसमें दूंगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर ग्रिड कर दूंगा, ठीक। और इन दोनों को बंद कर दें, और यहाँ पर जो चाइल्ड है इसको भी मैं एक्सेस कर लेता हूँ, चाइल्ड इसको भी क्या करता हूँ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, समथिंग बिस्की कलर दे दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कल बताया था आपको टेम्पलेट कॉलम के बारे में, तो अगर टेम्पलेट रो की बात करें तो मैंने यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम अपन ने समझ लिया। पहले टेम्पलेट रो को समझाता हूँ, जिस तरीके से टेम्पलेट कॉलम था वो क्या कर रहा था, वो अलग अलग कॉलम अपन को क्रिएट कर रहा था। यहाँ पर टेम्पलेट रो क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ पर बन एफ आर कर दिया तो यहाँ पर देखो क्या होगा, बन एफ आर करने से टेम्पलेट जो अपना, पहले मैं ग्रिड को और बॉर्डर भी दे देता हूँ, ग्रिड को अपन को क्या करना है, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड और येलो या रेड कुछ भी आप दे सकते हैं, मैंने रेड दे दिया। तो अब ना जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा, यानी कि अभी आप देख पा रहे हैं कि रो तो अपनी जिस तरीके से अपना कंटेंट अभी है बिल्कुल उस तरीके से है। क्यों है, क्योंकि वन एफ आर और अपन ने सिंगल दिया है, सिंगल देना बहुत बड़ी हुआ है, क्योंकि सिंगल का मतलब क्या होता है, सिंगल का मतलब ये हुआ कि आपने केवल जो नॉर्मल है केवल उसी को रखा। अभी थोड़ा और गहराई से समझने के लिए, वन एफ आर दो बार दे दिया, अगर मैं यहाँ पर दो बार दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मुझे अभी बैकग्राउंड कलर देना होगा, बैकग्राउंड कलर नहीं, इसको बैकग्राउंड कलर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं एक और बनाता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रेड टेम्पलेट कॉलम देता हूँ, इसको मैं वन एफ आर और वन एफ आर, अब सही समझ में आ जाएगा आपको। देखो टेम्पलेट रो क्या करता है, रो को डिफाइन करता है, और टेम्पलेट कॉलम क्या करता है, कॉलम को डिफाइन करता है। तो जब आप रो और कॉलम इन दोनों को अगर दो दो मैंने डिफाइन कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम दो होंगे। अब जो अपने पास 12 यहाँ पे पास रो हैं, अपने पास टोटल कितनी है 12 रो हैं। अब इस 12 रो के अंदर से ध्यान से सुनना, 12 रो को अगर अपन दो कॉलम के अंदर बांटेंगे तो कितने बनेंगे, एक कॉलम के अंदर 6 रो होने चाहिए, यही है ना। अभी देखो यहाँ पे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने पास रो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो इसके पास हैं। तो यानी कि क्या हुआ, यानी कि ये हुआ दो कॉलम क्रिएट किए गए, एक एक कॉलम के अंदर 6-6 डाल दिए गए। ऑर्डर समझो आप, पहला चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, चाइल्ड 5, चाइल्ड 6, चाइल्ड 7, चाइल्ड 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से इसको अरेंज किया गया। कई बार आप इमेजेस वगैरह जब इमेजेस गैलरी बनाते हैं या वीडियो गैलरी टाइप की कुछ वेबसाइट जब आप बनाते हैं, उस जगह पे 99% लोग ग्रिड का यूज करते हैं, लेकिन वो बस इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी भूल जाएंगे या फिर उसका ऑर्डर भूल जाते हैं। ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब आप किसी वीडियो या इमेज को आप ये सोच रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करूं, या फिर दो अलग अलग डिप बनाए हैं, अपन सोच रहे हैं कि 5-6 डिप हैं अपने पास तो उनको मैं पर्टिकुलर एक अरेंजिंग ऑर्डर में रख सकूं, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको एक ऑर्डर ध्यान में रखना, ठीक। आपने ये तो समझ लिया कि टेम्पलेट रो किस तरीके से हो सकती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं वन एफ आर एक और कर दूँ तो यहाँ पे आप देखो क्या होगा, अब यहाँ पे बातें हो जाएगी कि अपने पास 3 रो हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन कॉलम जैसे ही मैं एक बढ़ाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉलम बढ़ाया तो 3 कॉलम बने और 4 रो अपनी क्रिएट हो गई।
क्योंकि जो अपने डिव होते हैं बाय डिफॉल्ट आपको मालूम है ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट होते हैं तो जो ऑटोमेटिक अपने के रो फॉर्म में चल रहे हैं, तो इसीलिए अपन अगर यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रो के अंदर वन एफ आर मैं करता जा रहा हूँ, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं अगर मैं इसको अगर दे दूँ 200 पिक्सल तो अभी आप ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अपन ने हार्डकोर कर दिया है तो जो चाइल्ड वन है उसने क्या किया 200 पिक्सल की डिस्टेंस ले ली। अब इसने हर जगह पर ले ली, हर एक कॉलम पर ले ली अपनी। और अगर मैं इसको समथिंग लाइक कुछ ऐसा कर देता हूँ कि अगर मैं इसको ब्लैंक आउट कर दूँ इस वाले को, इसको कंट्रोल कमेंट कर देता हूँ और इस तरीके से करता हूँ, तो अभी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि पहला वाला जो है उसने क्या किया, उसने पहले वाले ने 200 पिक्सल ले ली। एक काम करता हूँ, इनके बीच में एक मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 12 पिक्सल। तो और क्लियर अभी दिखाई दे रहा है। अभी देखो आपस में है ना, जो पहला चाइल्ड वन वाला है उसने क्या किया, उसने 200 पिक्सल का टोटल स्पेस ले लिया, लेकिन चाइल्ड टू का जितना स्पेस रिक्वायर्ड था उसने स्पेस लिया, उसने चाइल्ड थ्री ने भी वही किया, चाइल्ड फोर ने भी वही किया, और बाकी का अपन बन एफ आर अपन ने दिया तो सबने बराबर बराबर लिया, क्योंकि अपन ने पहले वाले को बिल्कुल हार्डकोर कर दिया। अपन ऐसा इसके साथ भी कर सकते हैं, अगर अपन इसको कर दें बन एफ आर और बाकी का जो दूसरा उसको कर दूं मैं 2 FR, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी देखना क्या हो जाएगा कि पहले पाले की तो बिल्कुल सही है 1 FR अपने ले ली, दूसरे की 2 FR है, तीसरे की 1 FR है, चौथे पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां, इन सब की अपन ने मेंशन नहीं करी। इन सब की भी अपन मेंशन कर सकते हैं अलग से। कैसे मेंशन करेंगे इसको, मेंशन करने के लिए क्या करूँगा, ग्रिड ऑटो रो नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जब आपने जिनको आपने प्रॉपर्टी असाइन नहीं की है, जैसे अपन ने 3 रो को असाइन की, ऊपर क्या किया अपन ने, मैंने 3 रो को असाइन किया, तो जब आपने 3 रो को असाइन किया बाकी की जितनी भी रो हैं उसको कुछ भी असाइन नहीं किया, तो उसका मतलब जब आपको कोई एक पर्टिकुलर देना है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 40 पिक्सल, मैं अगर यहाँ पर 40 पिक्सल दे देता हूँ तो जो ए जो ऊपर की 3 रो हैं इन 3 रो को छोड़ के बाकी की जितनी भी 9 रो हैं उन सबको 40 पिक्सल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो इस वाले की देखो और इस वाले की, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 40 की जगह ऐसा करता हूँ जिससे वो समझ में आ जाए, 100 कर देता हूँ, ठीक 100 पिक्सल करूँगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखो पहला वाले का 1 FR, ठीक है, दूसरे वाले का 2 FR, तीसरे वाले का 1 FR, तो ये तो अपन ने मेंशन की थी वो वाली। बाकी का चाइल्ड 4, चाइल्ड 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का अगर आप देखो तो इसने 100-100 पिक्सल सभी ने ले लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से एक ग्रिड ऑटो रो काम करती है कि जो जिसको आपने मेंशन नहीं किया बाकी उन प्रॉपर्टी को अपन ग्रिड ऑटो रो की मदद से दे सकते हैं। अब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के बाद वो तो आपने देख लिया कि अगर टेम्पलेट कॉलम और रो अगर साथ में यूज किए जाते हैं तो उसका मतलब क्या बनता है, उसका मतलब ये बनता है कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया कि 3 कॉलम हैं और जितनी भी रो हैं उनको 3 कॉलम के अंदर बांट दो, है ना। तो इस तरीके से अपने क्या हुआ कि 4 रो मतलब टोटल अपने पास 12 एलिमेंट थे, यानी कि 12 रो थी, तो 12 रो को अपन ने क्या कर दिया, आसान कर दिया कि 3 कॉलम के अंदर किस तरीके से बांटा जा सकता है। उसके बाद भी आपने इसको अलग अलग साइज मेंशन कर दिया कि कौन सा एलिमेंट कितना साइज का होना चाहिए। आपने यहाँ पर बता दिया कि शुरू के 3 एलिमेंट कुछ ऐसे होने चाहिए, बाकी के 3 एलिमेंट ऐसे, मतलब जैसा आप उसको अरेंज करना चाहते हैं, जिस ऑर्डर में, जैसे जो इमेज जिस तरीके से दिखाना है, किसी इमेज को लोगो की तरह दिखाना है, किसी को वर्टिकल दिखाना है, हॉरिजॉन्टल दिखाना है, स्क्यू दिखाना है, जैसा भी आपको दिखाना है। कोई कोई इमेज ऐसी होती है जिसको एनिमेट करता हुआ दिखाई देना है, पिछली वीडियो में मतलब कुछ वीडियो के अंदर अपन ने एनिमेशन प्रॉपर्टी के बारे में समझा था, तो ऐसी चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं ग्रिड की मदद से बहुत ही इजीली आसान कर सकते हैं। उसकी जो पर्टिकुलर विड्थ एंड हाइट है अपन को अलग से देने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पेशली जो ग्रिड और फ्लेक्स है उनको बनाया क्यों गया, सर इसीलिए बनाया गया कि इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है CSS की मैनुअल जो प्रॉपर्टी होती है इनको यूज कम से कम करना पड़े, और इसको अपन ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हुए कम से कम कोड के अंदर बेहतर से बेहतर मेंटेनेंस कोड अपन लिख सकें, ठीक है। तो जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन होगा उतना अच्छा आप ग्रिड के साथ खेल सकते हैं। तो आपने अब यहाँ पे पिछली वीडियो के अंदर अपने ग्रिड गैप के बारे में समझा था, तो यहाँ पे ग्रिड गैप को भी मैं समझा देता हूँ। ग्रिड गैप यहाँ पे लिखूँगा अगर मैं, और ग्रिड गैप लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे 2 पिक्सल दे दूँ तो आपको मालूम है ग्रिड के बीच में जो गैप है वो 2 पिक्सल का हो जाएगा, लेकिन वो अभी दिखाई क्यों नहीं देगा क्योंकि अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे मार्जिन को दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन को बंद कर दूँ तो यहाँ पे दो पिक्सल अपन को दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा,
वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिखाई देने लगेगी। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मतलब ये भी बिल्कुल अच्छी चीज़ है कि अगर आपके सारे एलिमेंट आप चाहते हैं कि मतलब बैकग्राउंड कलर में कोई जो डिफरेंस है वो ना दिखाई दे या गैप नहीं दिखाई दे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हो उनको जिस ऑर्डर में जिस तरीके से जहाँ पे जिसको अरेंज करना है बिल्कुल उस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे आसानी करना है, कितने कॉलम क्रिएट करने हैं, कितने रो क्रिएट करने हैं, और इजीली आप जैसे जैसे इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का रहता है कि आप अपने माइंड के अंदर जैसे जैसे इसको कैलकुलेट करते जाएंगे उस तरीके से ऑटोमेटिक अरेंज होता जाएगा। ग्रिड गैप के अंदर तो आपको मालूम है कि 2 की जगह अगर मैं 12 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली आप अगर आप इसको इमेजिन करेंगे ग्रिड गैप प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे ग्रिड गैप प्रॉपर्टी आपको मेंशन करवा रही है कि आप क्या कर सकते हैं, रो के बीच में और कॉलम के बीच में दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं, 12 पिक्सल का अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे मार्जिन दे दिया। ध्यान से देखो, मार्जिन अपन ने यहाँ पे रो और कॉलम दोनों के बीच में दे दिया, यानी कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, आप विड्थ के ऊपर अलग से कॉलम वो लगाते हैं मार्जिन, हाइट के ऊपर अलग लगाते हैं मार्जिन, टॉप अलग करते हैं मार्जिन, हाइट अलग करते हैं, तो वो सारी चीज़ों का अपन क्या कर सकते हैं, ईजिली रिप्लेस करके ग्रिड के साथ खेल सकते हैं। बस ग्रिड को आप एक या दो बार यूज करोगे ना वेबसाइट के अंदर, आपके दिमाग के अंदर इसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होने लगेगी किस तरीके से सारी चीज़ें सारी प्रॉपर्टी एक एक करके काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो के अंदर अपन ग्रिड के बारे में थोड़ा और समझेंगे, क्योंकि ग्रिड कंटेनर की अगर आपको बताऊं हर एक प्रॉपर्टी का अपना एक मतलब है। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ पे ऑटो के बारे में आपको नहीं समझाया ना, तो अगर मैं यहाँ पे ऑटो कर दूँ इन सबको, अगर मैं ऑटो कर दूँ तो ऑटो का आपको मतलब में मतलब मालूम होगा कि ऑटो का मतलब होता है बाई डिफॉल्ट। तो ये क्या करेगा, ऑटो ऑटो भी अपन ने 2 बार कर दिया तो ये 2 कॉलम लेगा, ये वाला तो पिछली वीडियो का था। ये अब इसमें देखो 2 कॉलम ले लिए और यहाँ पे 6-6 रो अपनी क्रिएट हो गई है। तो ऑटो क्या करता है, ऑटो बिल्कुल सेम टू सेम वो लेता है, और अगर आपको अपनी कोई मेंशन करनी है वो भी कर सकते हैं। और रिपीट के बारे में आपको मालूम है, रिपीट भी आप करवा सकते हैं अगर जैसे मैं चाहूँ यहाँ पे रिपीट, और रिपीट यहाँ पे कितनी बार, 4 बार, और मैं कितना चाहता हूँ 200 तो नहीं 80 पिक्सल मैंने बोल दिया। तो इसको मैं अगर इस तरीके से करने की कोशिश करूँगा तो अपन को इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर यही इसी चीज़ को मैं अगर यहाँ से उठा दूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूँ 2 1FR कर देता हूँ, अगर मैं 1FR कर भी दूँ तो भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपन को देखने के लिए मिल जाएगा कि अपना जो 4 बार है वो रिपीट हो गया और कितना हो गया 80 पिक्सल, उसके अंदर हर एक के अंदर 80 पिक्सल का वो ले लिया उसने, इसीलिए वो कितना इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको 80 की जगह 130 कर देता हूँ, 130 अगर कर दूँ थोड़ा साइज ये जाना ले लेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कौन सा कॉलम किस तरीके से डिफाइन हो रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं रो को डिफाइन भी कर दूँ, जैसे 2FR की दूसरी रो इस तरीके से कर दूँ, तो इससे क्या हो जाएगा कि पहला एलिमेंट का तो 1FR होगा लेकिन दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 2FR ईजिली गेट कर लेगा। इस तरीके से अपन अलग अलग एलिमेंट का डिफाइन कर सकते हैं। अब ग्रिड ऑटो रो का अपन ने 100 पिक्सल कर दिया, इसको भी अगर अपन चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी अपन कर सकते हैं लगभग 50 पिक्सल कर सकते हैं। मतलब जैसा आप इसको अरेंज आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से इसको अरेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।